हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ऊबर एप्लीकेशन को जो है इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और कहीं पर भी जाने के लिए जो है आप उसे इजीली राइड बुक कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप जब कभी भी ऊबर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं राइड बुक करने के लिए, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कैश पेमेंट करने का। बट अगर आप उसमें कुछ पेमेंट मेथड ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप उन पेमेंट मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप कैश पेमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है ऊबर एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं जिससे कि आप कैश पेमेंट को अवॉइड कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अगर आप ऊबर एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊबर एप्लीकेशन आपके पास जो है इंस्टॉल्ड होगी। तो हम सीधा ऊबर एप्लीकेशन पर चलते हैं और वहाँ जाकर के पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करना है आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए ऊबर एप्लीकेशन हमारे सामने यहाँ पे ओपन अप हो गई है। अब आपको पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करना है उसके लिए आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपके सामने तीन लाइन्स हैं, आपको इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है वॉलेट। आपको यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे अभी जो है टॉप पे आपको दिखा रहा है कैश, और इसके बाद आपको लिखा हुआ है ऐड पेमेंट और रिडीम गिफ्ट कार्ड, यानी कि आप यहाँ से जो है पेमेंट के मेथड ऐड कर सकते हैं। और फिलहाल जो पेमेंट का ऑप्शन है वो कैश में ही अवेलेबल है। तो चलिए सिंपली जो है आपको ऐड पेमेंट और रिडीम गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने ऐड पेमेंट पे क्लिक किया है, यहाँ पे हमारे सामने कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आ गए हैं जिसमें गूगल पे, अमेजोन पे, यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पेटीएम, गिफ्ट कार्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो पहले जो है गूगल पे पे अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही गूगल पे पे क्लिक किया है तो दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल पे की यूपीआई आईडी डालनी होगी। तो चलिए, अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो आप डाल लीजिए। मैं यहाँ पे अपनी गूगल पे की यूपीआई आईडी डाल लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाली है तो ये बोल रहा है कि एक रुपये का जो है चार्ज यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ करेगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी मेरे गूगल पे पे, वो जैसे ही मैं एक्सेप्ट करके पेमेंट करूँगा तो ये यूपीआई आईडी जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी गूगल पे की। तो ये देखिए रिक्वेस्ट आ गई है, जल्दी से पेमेंट करके इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हमने जो है गूगल पे पे एक रुपये की पेमेंट की, वो यूपीआई आईडी अब यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे सिर्फ कैश का ऑप्शन दिखा रहा था, पर अभी जो है यहाँ पे गूगल पे भी लिखा हुआ दिखा रहा है, यानी कि ये पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो गया है। चलिए दूसरे पेमेंट मेथड पे चलते हैं, उसके लिए फिर से ऐड पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी जो है एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कौन कौन से पेमेंट मेथड कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अभी एक पेमेंट मेथड में जो है पेटीएम को भी ऐड करके एक बार आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो अकाउंट है इस नंबर के साथ पेटीएम पे, उसी को ये लिंक करने के लिए बोल रहा है। अगर आप सेम नंबर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप जो है सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये कुछ परमिशन आपसे पूछेगा, आपको इन्हें अलाउ करना है। तो दोस्तों, यहाँ से जो है ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया है और पेटीएम का जो वॉलेट है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। फिलहाल उसके अंदर जो बैलेंस है वो काफ़ी कम बता रहा है, तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ से पेटीएम में जो है बैलेंस ऐड कर सकते हैं, बट अभी हमें ये कुछ भी नहीं करना है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो है अब गूगल पे के साथ साथ पेटीएम का मेथड भी यहाँ पे हमें दिखा रहा है, यानी कि ये मेथड भी हमारा सक्सेसफुली जो है ऐड हो गया है। अब इसके अलावा आपको जो है एक बार हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऐड करके और दिखा देते हैं यहाँ पे। चलिए ऐड पेमेंट पे क्लिक करते हैं फिर से। तो दोस्तों, हमने अपने कार्ड की सारी डिटेल्स इसमें फिल कर दी हैं। तो दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक दो रुपये का यहाँ से जो है ये चार्ज करेगा और उसके बाद वही चार्ज जो है ये आपको रिफंड भी कर देगा, बट इससे ये आपके कार्ड को जो है वेरीफाई कर लेगा। तो आपको अपना सीवीवी नंबर डाल के यहाँ से जो है 2 रुपये की पेमेंट कर लेनी है। तो चलिए इसे पेमेंट करके ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, ये देखिए जैसे ही हमने 2 रुपये की पेमेंट इस कार्ड से की, उसके बाद जो ये कार्ड है हमारा पेमेंट मेथड में ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो है पेटीएम का, कैश का और गूगल पे का ही ऑप्शन दिखा रहा था, बट आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो है एक मास्टर कार्ड का पेमेंट मेथड भी दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप जो है अलग अलग पेमेंट मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पेमेंट मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे मल्टीपल यूपीआई आईडी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड या एक यूपीआई आईडी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार आप देख लेते हैं बुकिंग करके कि बुकिंग के टाइम पर जो ये पेमेंट मेथड आप दिखा रहा है या पहले की तरह सिर्फ कैश ही यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, ये देखिए एक राइड हम बुक करने के यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए आप नीचे देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड पे पर्सनल अभी लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप पेमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं।
ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट पे क्लिक किया है तो हमने जितने भी पेमेंट मेथड ऐड करे थे वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है। कैश का जो पेमेंट मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो है अभी हमने गूगल पे का जो अकाउंट ऐड किया था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, पेटीएम जो वॉलेट ऐड किया था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और जो कार्ड हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप इनमें से कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक बार किसी भी एक पेमेंट मेथड पे टैप करके देखते हैं। जैसे हमने टैप किया आप देख सकते हैं कि एक टिक लग गया है उस पेमेंट मेथड के आगे। अब आप इसको क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं अभी जो है यूपीआई आईडी गूगल पे की वो दिखा रहा है जो हमने सिलेक्ट की है अभी। और अगर आप इस पेमेंट मेथड को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि उस अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है, तो आप दोबारा इस पर क्लिक करके वो पेमेंट मेथड को चेंज कर सकते हैं। चलिए एक बार इस पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे जो है अभी पेटीएम पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पेटीएम के आगे टिक लग गया है। अब आप यहाँ से बैक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बॉटम में जो पेमेंट का मेथड दिखा रहा है वो पेटीएम दिखा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे कोई भी राइड को, तो आपको उसी पेमेंट मेथड से पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा पेमेंट के टाइम पे। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप यहाँ पे पेमेंट मेथड अलग अलग ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।